सो गाइज माफ़ कर देना क्योंकि पिछले वाले वीडियो का जो वर्ड था जो हम लोग ने बनाया था वो गलती से डिलीट हो गया है। सो गाइज एक नया वर्ल्ड बना लेते हैं और गाइज एक अच्छा सा जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ हम लोग अपना घर बना सकते हैं। घर बनाने से पहले हम लोग का खानदानी नियम फॉलो करना पड़ेगा। पहले ट्रीज काटना पड़ेगा, उससे हम लोग को वुड मिलेगा, उससे हम लोग वुडन प्लैंक्स बना लेते हैं जिससे हम लोग अपना घर बनाते हैं। चलिए सामने में एक हीरा है उसको भी मार देते हैं। ये क्या है? नदी है। अच्छी बात है, घर के सामने नदी है और इसके ऊपर चढ़ के देखते हैं लोगों को क्या मिलता है। वाह क्या जगह मिली है, यहाँ पूरा प्लेन है, सामने खानदानी मामू है, सामने केव है, सामने नदी है, सामने गाय है, सामने मिट्टी है, सामने जंगल है, और क्या चाहिए, यही तो है अच्छी जगह। चलो नीचे उतरते हैं। घर बनाने से पहले पहले हम लोग को प्लैंक्स बनाना पड़ेगा, और प्लैंक्स चाहिए, और प्लैंक्स चाहिए, और जितने सारे भी प्लैंक्स बनेंगे वो सब प्लैंक्स और एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं जिससे हम लोग हथियार बना सकते हैं। सो गाइस अब काम शुरू करते हैं। शायद अब उनके प्लैंक्स खत्म हो गए। ओ मेरे पास डार्क प्लैंक्स है, ये भी काम चला लेते हैं, ये भी। अरे मेरे पास नहीं है, चलो अब हथियार हाथ में लेते हैं और चलते हैं वुड काटने, मामू को काटने। जल्दी चलो यार, चलो जितने सारे भी वुड कलेक्ट हुए से प्लैंक्स बना लेते हैं। और बनाइए भैया और बनाइए। चलो कंप्लीट हो गया, अब चलो घर बनाते हैं। अब तो काम हो गया, अब तो सिर्फ छत वाला बनाना बाकी है। अब चलते हैं, अब लगता है हम लोग को स्लैब्स बनाना पड़ेगा। स्लैब ज़्यादा बनेगा इसलिए स्लैब्स लगाते हैं ऊपर, और कम प्लैंक्स में ज़्यादा स्लैब्स होगा वो हम लोग का एक फ़ायदा है। चलो ऊपर चलते हैं। हाँ अब हम लोग ऊपर से स्टार्ट करेंगे स्लैब्स लगाना। सो लगाते हैं ऊपर से स्लैब्स। एक काम करते हैं, इधर एक लगा देते हैं फिर इधर। चलिए यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे। स्वागत नहीं करोगे हमारा? गाइज हमारे जंगल में आतंकवादी घुस आया है, इसको शायद मारना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं बाद में मारेंगे। और घर बन गया मेरा, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा। अब चलते हैं अपन का घर कैसा है। वाह आलीशान बंगला, ये सब हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, और ये भी हटा देते हैं। और हमें ये वीक सीट मिल गया, अब चलते हैं माइन करने चलते हैं किसी केव में। वाह क्या केव है, देखते हैं अंदर कोल मिलता है या नहीं। और गाइस नाम लिया, ये हाजिर, और ये रहा कोल, ये सब भी ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोल जिससे हम लोग का टॉर्च बनेगा। और गाइस दूसरे रास्ते से बाहर निकलते हैं, और ये रहा हम लोग का घर, कितना सुंदर दिख रहा है। भाव बहुत नींद लगी है, पहले बेड लगा लेते हैं फिर सोने चलेंगे। ये देखो सो गए हम लोग। काम करते पहले हम लोग एक चेस लगा लेते हैं और अंदर जो भी चीज़ है वो सब अंदर घुसा लेते हैं। चलो पहले टॉर्च बना लेते हैं, बहुत सारा टॉर्च लगेगा, माइन करने जाएंगे। एक काम करते कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है, और एक खा लेते हैं थोड़ा, ठीक है। मुझको ये जगह अच्छी लगी, यहीं से माइन करना स्टार्ट करेंगे। अपन का वुडन पिकैक्स खत्म होने वाला है, इसलिए हम लोग एक स्टोन पिकैक्स बनाएंगे जो बहुत अच्छा वाला काम करेगा। तो चलते स्टोन पिकैक्स बनाते हैं। चलो स्टोन पिकैक्स बनाते हैं, एक ही सही है। एक काम करते हैं, चलो कुछ खा लेते हैं क्योंकि मेरा हेल्थ मीटर बहुत डाउन हो चुका है। और एक तो खाएंगे। चलो अब हम लोग का खानदानी काम करने चलते हैं। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अरे मेरी धरती ने सच में सोना निकाल दिया, चलो सोना को ले लेते हैं। एक्चुअली ये सोना नहीं है, आयरन है, सब ले गए। सो गाइस अभी हम लोग और नीचे, मतलब सबसे नीचे वाले लेवल में आ चुके हैं।
अब गाइस मुझे लगता है हम लोग को साइड से खोदना स्टार्ट करना पड़ेगा, तो खोदना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये बन गया हम लोग का छोटा सा चेंबर और यहाँ खोद दिया। ये क्या है? ओ ये रेड स्टोन है, इसको लिए हम लोग को आयरन पिकअप चाहिए। और यहाँ गाइस 12 नंबर लेवल पे हम लोग खुदाई स्टार्ट करेंगे, यहाँ बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है, हम लोग को डायमंड मिल जाएगा। और गाइस हम लोग को डायमंड मिल चुका है इधर, मैंने कहा था गाइस 12 नंबर ब्लॉक में खुदाई करने से हम लोग को मिलेगा। और थोड़ा खुदते हैं, देखते हैं हम लोग को और क्या मिलते हैं। यहाँ तो आयरन भी है। चलो आयरन पिकैक्स बनाने चलते हैं, जल्दी चलो यार। चलो आयरन पिकैक्स बनाने से पहले हम लोग को एक फर्नेस बनाना पड़ेगा, जिससे हम लोग आयरन इनगेट बना सके और आयरन इनगेट से हम लोग आयरन पिकैक्स बना सके। मेरे पास अभी भी कुछ फ्यूल है, ये देखो आयरन इनगेट हम लोग का दो टो और बनाने दे देते हैं। और ये जो दो आयरन इनगेट है ये सब भी ले लेते हैं और इससे हम लोग एक आयरन पिकैक्स बनाते हैं। ओ भाव हम लोग को डायमंड मिल गई, थे डायमंड भी लो, यहाँ आयरन भी ले लेते हैं, आयरन भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जो हम लोग को जो रेड स्टोन मिला था वो भी ले लेते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग एक डोर बना लेते हैं हम लोग के घर के आगे में, जो हम लोग को बहुत फायदा देगा। और एक काम करते हैं, एक चेस्ट बना लेते हैं जिस चेस्ट में हम लोग बाकी का सामान हम लोग सब रख सकते हैं। और एक काम करते हैं, एक हो भी रख लेते हैं और हम लोगों को खुदाई करना है, फार्मिंग करना है। सो गाइस यहाँ फार्मिंग करते हैं। इतना तो हो गया है मेरा फार्मिंग, अब यहाँ पानी लाना है, इसलिए हम लोग को बकेट चाहिए, बाल्टी चाहिए, जिससे हम लोग पानी को लेकर आ सके। सो गाइस यहाँ पानी है, पानी को डाल देते हैं। और भी पानी चाहिए हम लोगों को, लेकिन उससे पहले एक सीड लगा लेते हैं, व्हीट सीड, और थोड़ा सा फार्मिंग और कर लेते हैं जो जगह भी बाकी है। अब एक काम करते हैं, हम लोग एक कॉबलस्टोन जनरेटर बना लेते हैं। मैंने यहाँ एक कॉबलस्टोन जनरेटर इसलिए बनाया कि हमें कॉबलस्टोन की कमी ना हो। और एक चीज, मुझे नहीं पता कॉबलस्टोन जनरेटर काम करेगा या नहीं। What is this? अच्छा माता यार, माता माता, ₹5 दूंगा, ₹5, ₹10, ठीक है ₹10 दूंगा, दे ₹10, नहीं नहीं 1000, ठीक है 1000, 1000 दूंगा यार, 1000, सच में 1000 दूंगा। अच्छा 1000 में चुप हो गया, सॉरी ब्रो, रहने दो। चलो लावा ले लेते हैं और क्रीपर को देखते हैं। क्रीपर भाई सा नहीं है यहाँ, तो मैंने ये रख दिया। एक काम करते हैं, यहाँ देखते थे क्या होता है, नहीं पता यार क्या होगा। What the fuck? अरे यार अब हमें मेरा ब्रह्मास्त्र यूज करना ही पड़ेगा, डायमंड पिकैक्स। चलो इसको खोदते हैं, जेसीबी की खुदाई, वंस मोर ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ लावा लाया है और अब देखते हैं, मैंने थोड़ा रिस्टोर किया, अब देख लेते हैं यहाँ कुछ होगा या नहीं। एक काम करते हैं, नीचे में एक हम लोग एक कॉबलस्टोन दे देते हैं, उसके ऊपर हम लोग ये लावा जो है वो रख देते हैं। अब लगता है अरे बूम बेबी बूम बेबी बूम बेबी बूम। अब एक काम करते हैं, यहाँ हम लोग कुछ स्लैब लगा देते हैं। अब हम लोगों की जितने भी चीजें सब कुछ अंदर घुसा लेते हैं। अरे मेरे वीट तो पक गए, ये सब भी ले लेते हैं और सीड भी लगा देते हैं। 6 टो में सीड मिला है, ये भी लगा लेते हैं। यहाँ एक वीट पड़ा हुआ है और यहाँ मुझे 4 टो वीट मिला है और जो 6 सीड्स हम लोग को मिला है वो देखिए कितनी जल्दी ये सब उग रहे हैं। मैंने ये शायद अपना टिक स्पीड थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, अब मुझे लगता है अपनों का टिक स्पीड थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये क्या वंडरिंग ट्रेड है, तू क्या दे रहा है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मैं भिखारी हूँ यार। हाँ अच्छी बात है, मैं भिखारी हूँ अभी, न्यू स्टार्ट किया हूँ अभी गेम टू, और बोल रहा है इतना कुछ। और मुझे चाहे 4 वीट मिल गया। और गाइस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम हर हफ्ते लाते रहते हैं। ओके गुड बाय।